साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड बात करेंगे पांच छह पॉइंटों पे। वो न्यू अपडेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑन कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई अपडेट रोज़ मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको बताइए साथियों, दुबई अभी ईद आ रही है तो लॉकडाउन मतलब खतरा होने की संभावनाएँ ज़्यादा है। यानी जितनी ज़्यादा भीड़ होगी तो आपको पता है भाई कोरोना बढ़ेगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, यूएई सरकार ने थोड़ा लॉकडाउन में कंट्रोल करते हुए रात 8 पहले 10 बजे तक का था, लेकिन अभी 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको पता है बहुत बड़ा जुर्माना आपको 3000 तक भरना पड़ सकता है। आगे बात करें साथियों की, ये बात हालांकि 2-3 दिन पहले की न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल दुबई यूएई से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना पाया था, 3 दिन से दूसरे वीडियो बनाने पड़े। इंडिया की लगभग 105 डॉक्टरों की टीम, दूसरी टीम यानी पहली टीम 88 डॉक्टरों की पहले गई थी, अभी 100 दूसरी टीम 105 की दोबारा 2 दिन पहले यूएई पहुँच चुकी है, जिनका यूएई एयरपोर्ट पर वहाँ की शेखों द्वारा, सरकार द्वारा स्वागत किया गया, जो वहाँ की न्यूज़ में भी आया था, गल्फ्स टाइम में भी आई थी ये न्यूज़। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इंडिया के लगभग 200 मेडिकल स्टाफ की टीम दुबई में पहुंची है, क्योंकि यूएई ने काफी देशों से मांग की थी कि भाई हमें मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, उसमें इंडिया का भी नाम उन्होंने लिया था। तो इंडिया की तरफ से ये दोस्ती के नाते ये हमारे मेडिकल स्टाफ वहां पे गए हैं। दूसरी भाई एक बेस्ट न्यूज उनके लिए है कि 1 जून से आपको पता है जो रेजिडेंस वीजा वाले थे, जो दूसरी कंट्रियों में फंस गए थे, जैसे मान लीजिए इंडिया का बंदा है रेजिडेंस वाला, वो दुबई रहता है, वो घूमने गया था यूएई यूरोप या एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री में, ये अपनी कंट्री वो छुट्टी आ चुके हैं, जिनके पास वर्क परमिट वीज़ा रेजिडेंशियल वीज़ा है विद फैमिली है या कोई भी है, उनको सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 जून से उनको रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे। उनके लिए बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पे काफ़ी लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बता दूं भाई, उसमें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि उसमें एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट मिशन 1 मिशन 2 के थ्रू लोगों को लेके आ रही है इमरजेंसी लोगों को, वैसे उनको भी इमरजेंसी वालों को पहले रिकवर करेंगे। हालांकि रिकवर सबको कर लेंगे, रेजिडेंस वीजा जिनके पास है सबको यही सरकार बुलाएगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट उनको दी जाएगी जो दुबई के लिए जरूरी है, जो विद फैमिली है या दूसरी देशों में फंसे हैं थर्ड पार्टी देशों में, जैसे इंडिया का आदमी दुबई का वीजा है वो पहुंच गए यूरोप कंट्री में फंसा हुआ है, या उनके वीजा एक्सपायर हो गए, या वो मेडिकल बीमार हैं, या विद फैमिली फंसे हुए, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद सब रेजिडेंशियल वीजा को यूएई गवर्नमेंट अपने 1 जून से स्टार्ट करके सबको रिकवर कर लेगी, तो ये उनके लिए बेस्ट न्यूज है। भाई आगे ईद आ रही है, मैं बता दूं बहुत सारे लोग जो हो सकता है ध्यान नहीं दो, फाइन बहुत महंगा पड़ता है। आपको पता है इंडिया का नॉर्मल हो जाता है चल जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा फाइन है, और खासतौर से गल्फ में तो बहुत ही ज्यादा है। मान लीजिए अभी ईद आ रही है, आपने पार्टी आयोजन कर ली कि भाई चलो 5 दोस्तों को बुला लेते हैं, किसको पता लगता है, तो भाई अगर पता लग गया 10,000 दुबई दिरहम फाइन लगेगा आपका। और जो खाने के लिए आ रहे हैं ना पार्टी में एंजॉय करने के लिए, उनको भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि उनकी भी गलती है, 5,000 दुबई दिरहम उनका फाइन होगा। तो इन चीजों से बच लें, ध्यान रखें। दूसरा, दुबई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है फाइन से रिलेटेड, तो आप गौर से देख लीजिए। मान लीजिए आप दूसरे देश से दुबई पहुंच रहे हैं, यूएई पहुंच रहे हैं, और गवर्नमेंट ने आपको क्वारंटाइन कर दिया और आप क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, आप भाग गए या आपने गवर्नमेंट का कहना नहीं माना, तो भाई सीधा सीधा कोरोना के नाम से 50,000 दुबई दिरहम आपका फाइन लग सकता है। तो इस बात से आप ध्यान रखें, 50,000 दुबई दिरहम अगर आपने गवर्नमेंट अकॉर्डिंग फाइन या हॉस्पिटलिटी नहीं लिया, मेडिकल नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ऐसे आप निकल गए, 50,000 दुबई दिरहम फाइन लग सकता है आपको। और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज बता रहा हूँ, मास्क आपने लगा लिया, जैसे लगाना यहाँ होता है नाक और मुंह दोनों बंद होना चाहिए, आपने यहाँ लगा रखा है, आपने यहाँ लगा रखा है फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके पास है, आप कैमरे में कैच हो गए, 3,000 दुबई दिरहम जुर्माना है भाई। तो मास्क अगर लगाना है तो पूरा लगाना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे, जैसे बाइक वाले इंडिया में हेलमेट टांग के रखते हैं ना शीशे के आगे पीछे, पुलिस देखती है तो सिर पे डाल लेते हैं, इंडिया में है चल जाता है, वहाँ 3,000 दुबई दिरहम है, देख लो 2-3 महीने तक काम करोगे तब जाके उतरेगा वो फाइन। एक साथियों फाइन से रिलेटेड ही लगभग न्यूज़ आ रही है, पहले दुबई ने फाइन माफ़ किया, फिर अब शारजा ने माफ़ कर दिया, अभी अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया कि भाई दिसंबर 2019 तक जितने भी फाइन थे, जैसे गाड़ी के जितने भी तरह के फाइन होते हैं 50% डिस्काउंट कर दिया गया है। तो अभी आकर जमा करवाते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आप जमा करवा सकते हैं, जैसे आपके 1,000 दुबई दिरहम जुर्माना था तो 500 में काम निपट सकता है। अभी अगर आप बात करें 2020 जनवरी से लेकर अब तक की, अगर इस दौरान आपके
फाइन लगाया तो आप 75% आप जमा करवा सकते हैं, यानी 25% लेस इसमें किया गया है। तो जिनके फाइन है उनके लिए बेस्ट न्यूज आई है। आगे एक न्यूज बता दूं, सोशल मीडिया आपको पता है सोशल मीडिया होती तो अच्छे के लिए है, इंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन लोग है ना उसको मिसयूज कर लेते हैं। इंडिया में भी आपने पहले देखा होगा कोरोना के दौरान करेंसी पे थूकना, नाक से पूंछना, इंडिया में तो फिर भी कुटाई से चल जाता है, पुलिस कूट काट के छोड़ देती है। लेकिन वहाँ पे पता आपको एक टिकटॉकर था और शक्ल से तो मुझे ये लग रहा है कि भाई वो इंडियन था, हालांकि गवर्नमेंट ने या पुलिस ने उसका नाम उजागर क्यों नहीं किया पता नहीं, औरों में तो कर देती है नाम उजागर, इसमें नहीं किया। अब कौन है क्या नहीं पता, वीडियो टिकटॉक पे बनाया, इंडियन करेंसी को ऐसे मुँह पे थूक के या नाक के पूंछ के उसने टिकटॉक पे डाल दिया 15 सेकंड का, और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 10 लाख दुबई दिरहम जुर्माना प्लस उसको 5 साल की सज़ा, आप सोच लीजिए उसका गया, वो गया जिंदगी में, वो 10 लाख दुबई दुर्म नहीं भर सकता दराम, इतने में वो बाहर निकलने का नहीं। तो ये स्थिति हो सकती है किसी के भी साथ, गलती से भी गलती ना करें भाई, डर के रहोगे तो काम भी कर लोगे, कमा भी लोगे, अपना परिवार भी बचा लोगे और खुद भी बच जाओगे, हेकड़ी करके रहोगे तो गल्फ है भाई, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बस आज की न्यूज़ यही थी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।